नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। पिछले लेक्चर्स में हमने रिकर्शन को पढ़ने की शुरुआत कर दी थी। हमने जाना था कि रिकर्शन क्या होता है, कैसा प्रोग्राम एक रिकर्सिव प्रोग्राम होता है, रिकर्जन की डेफिनेशन को भी हमने पढ़ा। आज हम उसी रिकर्शन को थोड़ी और गहराई से अब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है, तो इसे हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही हम इसकी गहराइयों में उतर जाते हैं। तो यहाँ आज थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिहाज से एक बोर्ड पर अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि एक रिकर्सिव प्रोग्राम है, और हम इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करने वाले हैं। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से इसमें कंट्रोल का फ्लो होता है और आखिरकार क्या आउटपुट हमें नज़र आता है। तो मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हमने किया हुआ है। इसका रिटर्न टाइप है इंट, इसका नाम है फन, और इसके अंदर एक वैल्यू पास करेंगे एज अ पैरामीटर जो कि होगी इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो उसका टाइप हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, फिर सेमीकोलन। तो ये तो हो गया इस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन यहाँ पर। फिर हमने इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है, इस फंक्शन की डेफिनेशन दोस्तों हमने यहाँ पर दी है। तो इस डेफिनेशन के अंदर अगर आप नज़र डालेंगे तो देखिए ज़रा दोस्तों, ये फन फंक्शन है ना। अब इस फन फंक्शन की ही डेफिनेशन में यहाँ पर इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर इस जगह पर फिर से फन फंक्शन को ही कॉल कर लिया गया है। मतलब फन फंक्शन के अंदर से ही फिर से फन फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया गया है। मतलब ये फन फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल कर रहा है, फन के अंदर फन को कॉल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो रहा है रिकर्जन। और ये फन फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? रिकर्सिव फंक्शन। तो आइए दोस्तों, फाइंड करते हैं कि जब ये प्रोग्राम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या नज़ारा होगा। तो यहाँ दोस्तों, अब हम इसके एग्जीक्यूशन का आगाज कर देते हैं। तो यहाँ मेन फंक्शन के अंदर से ही इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। सबसे पहले है CLR SCR, फिर इसके बाद है दोस्तों ये printf। तो इस printf फंक्शन के जरिए यहाँ पर कुछ प्रिंट होने वाला है। क्या प्रिंट होने वाला है? इन डबल कोट्स के बीच में देखिए ज़रा, %d की जगह पर कोई ना कोई एक इंटीजर प्रिंट होने वाला है। कौन सा इंटीजर प्रिंट होने वाला है? तो इसका जिक्र इस कोमा के बाद हमने यहाँ किया है। यहाँ पर एक फन फंक्शन को कॉल किया गया है और इसके अंदर एज ए पैरामीटर एक इंटीजर वैल्यू को पास किया गया है 4। यानी कि इस %d की जगह पर जो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, ये वो इंटीजर वैल्यू होगी जो ये फन फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो साथ ही यहाँ पर इस printf फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन को हमने कॉल किया है जो कि है हमारा फन फंक्शन। तो जिस भी जगह पर किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, कंट्रोल सीधा वहाँ से उसकी डेफिनेशन में चला जाता है। तो यहाँ से इस फन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है दोस्तों, तो सीधा यहाँ से कंट्रोल अपना रुख किधर करेगा? इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ से सीधा कंट्रोल जाएगा इस फन फंक्शन की डेफिनेशन के पास। ये रही इस फन फंक्शन की डेफिनेशन। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस फन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उस वक्त इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू को पास किया जा रहा है जो कि है 4। तो जो कि वादे के मुताबिक यहाँ पर करना लाजमी भी है। इसके प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में ही लिखा हुआ है कि इस फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर एक इंटीजर वैल्यू पास की जाएगी जो कि यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ ये 4 जो है ये है एक्चुअल पैरामीटर, और x जो है यहाँ पर ये है फॉर्मल पैरामीटर। ये इस 4 को रिसीव कर लेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि फंक्शन एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल होगा, फिर दूसरे फंक्शन से तीसरा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल करते जाएंगे, तो यहाँ रिकर्जन में अब फंक्शन बार बार कॉल किए जाएंगे। तो हमें पूरा रास्ता यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जिस रास्ते से हम जाएंगे फंक्शन को कॉल करते हुए उसी रास्ते से हमें वापस भी आना होगा। तो वो रास्ता हम कुछ इस तरह से यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक आसान सी एक ट्रिक है, एक तरीका है
रिकर्सिव फंक्शंस के केस में ये ध्यान रखने का कि किस फंक्शन से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है और फिर किस रास्ते से हम आए हैं, किस रास्ते हमें जाना है। तो इस तरह का हमने एक बॉक्स बना लिया है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इस मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ये फन फंक्शन कॉल किया गया है जिसके अंदर 4 एज ए पैरामीटर पास किया गया है। तो इन बॉक्सेस में हम वो सारी जरूरी जानकारियाँ लिख लेंगे जो हमें इस रिकर्सिव प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करने में मदद करेगी, जो हमें कंट्रोल के फ्लो को समझने में मदद करेगी। तो दोस्तों यहाँ से अब जब कंट्रोल इस मेन के अंदर आया है, इस प्रिंट एफ में आया है, तो इस जगह पर फन फंक्शन को कॉल किया गया। तो सीधा कंट्रोल यहाँ से कहाँ चला जाएगा दोस्तों, फन फंक्शन की डेफिनेशन में चला जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से फन फंक्शन की डेफिनेशन में कंट्रोल आएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4, क्योंकि यहाँ पर जब इस फन फंक्शन को कॉल किया गया है तो इसके अंदर एज ए पैरामीटर जो वैल्यू पास की गई है वो है 4। तो x ने रिसीव की है वैल्यू 4, तो x की वैल्यू हो गई है यहाँ पर 4। अब दोस्तों कंट्रोल जब इस फन फंक्शन की डेफिनेशन में आएगा तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है क्या? जी नहीं, x की वैल्यू है 4, ये कंडीशन तो तब ट्रू होगी जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये कंडीशन है फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो क्या कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक में जाएगा क्या? जी नहीं, कंट्रोल तो इस इफ के ब्लॉक में जाने से कर देगा साफ साफ इनकार, मुकर जाएगा। फिर कंट्रोल कहाँ आएगा दोस्तों, इस रिटर्न स्टेटमेंट पर। अब जब कंट्रोल इस रिटर्न स्टेटमेंट पर आएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स प्लस फन एक्स माइनस वन, मतलब यहाँ पर फिर से इस फन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। एक्स की वैल्यू 4 है, फिर प्लस, फिर फन फंक्शन को कॉल किया गया और इसके अंदर पास किया गया है x माइनस वन यानी कि 4 माइनस वन यानी कि 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है, रिटर्न फिर 4 प्लस फन फंक्शन को फिर से कॉल किया जा रहा है और इसमें जो वैल्यू पास की जा रही है वो वैल्यू पास की जा रही है 3, यानी कि ये रिटर्न स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा कब होगा, जब यहाँ फन 3 की वैल्यू रिटर्न होकर आएगी और ये रिटर्न स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट होता उससे पहले यहाँ पर फिर से फन फंक्शन को कॉल कर लिया गया। तो यहाँ जब फन फंक्शन को कॉल कर लिया गया है तो फिर से कंट्रोल क्या करेगा, फिर से कंट्रोल फन फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा और इस बार क्या वैल्यू वो अपने साथ लेकर जाएगा, वो अपने साथ लेकर जाएगा वैल्यू 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिर से फन फंक्शन को कॉल कर लिया गया है, इसमें एज ए पैरामीटर वैल्यू पास की गई है 3। तो कंट्रोल फिर से इसी डेफिनेशन में आएगा, फन फंक्शन की ही डेफिनेशन में आएगा, एक्स की वैल्यू इस बार रहेगी 3। अब कंट्रोल यहाँ पर आएगा इस इफ स्टेटमेंट पर, कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन है सरासर फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 है, 3 एक के बराबर नहीं होता। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सीधा इस रिटर्न स्टेटमेंट पर कंट्रोल आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिर से ये रिटर्न स्टेटमेंट पर कंट्रोल आया है और इस बार वैल्यू है 3 प्लस और फिर से यहाँ फन फंक्शन को कॉल किया गया है, इस बार जो इसके अंदर वैल्यू पास की गई है वो है 2। तो कंट्रोल सीधा यहाँ से फिर से फन फंक्शन की डेफिनेशन में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों रिकर्जन हो रहा है, रिकर्जन की घटना घट रही है। फन फंक्शन के अंदर फन फंक्शन को कॉल किया गया, फिर वापस इस फन फंक्शन के अंदर इस फन फंक्शन को कॉल किया गया, यानी कि बार बार फन के अंदर फन कॉल हो रहा है, यानी कि रिकर्जन की घटना यहाँ पर साफ साफ हमें घटती हुई नजर आ रही है। तो साथियों फिर से कंट्रोल ऑफ फन फंक्शन की डेफिनेशन में आया है और इस बार जो वैल्यू यहाँ एज ए पैरामीटर पास की गई है वो है 2। तो इस 2 को रिसीव कर लेगा ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। इस इफ स्टेटमेंट पर कंट्रोल आएगा, कंडीशन हो जाएगी सरासर गलत फॉल्स, इस इफ के ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा नहीं, कंट्रोल वापस इस रिटर्न पर ही आएगा। अब जब इस रिटर्न पर आएगा तो यहाँ लिखा हुआ रिटर्न एक्स प्लस फन एक्स माइनस वन, एक्स हो जाएगा 2, फन को फिर से कॉल किया जाएगा पर एज ए पैरामीटर इसके अंदर जो वैल्यू पास की जाएगी वो पास की जाएगी 2-1 यानी कि 1। अब साथियों यहाँ फिर से इस फन फंक्शन को कॉल किया गया है, इस बार इसके अंदर एज ए पैरामीटर वैल्यू पास की जा रही है 1, तो कंट्रोल फिर से फन की डेफिनेशन में जाएगा। तो इस बार दोस्तों एक्स की वैल्यू है 1। अब देखते हैं जब कंट्रोल फन की डेफिनेशन में जाएगा एक्स की वैल्यू 1 लेकर तब क्या होता है।
तो कंट्रोल जब इसकी डिफिनेशन में जाएगा फन फंक्शन की, x की वैल्यू है 1 इस बार, इस इफ से सामना होगा कंट्रोल का। अब दोस्तों जब कंट्रोल का सामना इस इफ से होगा तो इस इफ के अंदर लिखी गई ये कंडीशन चेक की जाएगी, x की वैल्यू है 1 बराबर 1, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। 1 के इक्वल होता है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी शक होना चाहिए। तो दोस्तों ये कंडीशन हो गई है ट्रू, इस बार कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक में जाने वाला है और इस इफ के ब्लॉक में लिखा हुआ है ये रिटर्न स्टेटमेंट, और ये रिटर्न स्टेटमेंट एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है 1। यानी कि जब कंट्रोल फन फंक्शन की डेफिनेशन में आया है, जब एक्स की वैल्यू 1 है और जब कंट्रोल फन फंक्शन के डेफिनेशन में आया है, तो कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक में गया है और यहीं से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या? जी नहीं, इस रिटर्न स्टेटमेंट तक कंट्रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पहले ही यहीं से कंट्रोल हो जाएगा अब रिटर्न। यहाँ से कंट्रोल एक वैल्यू लेकर वापस जाएगा जो कि है 1। अब दोस्तों यहाँ से इस रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए रिटर्न हो रही है एक वैल्यू 1। जब फन फंक्शन कॉल किया गया था और जब इसमें 1 ऐसे पैरामीटर पास किया गया था, तो इस फन फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पर एक वैल्यू रिटर्न की जा रही है जो कि है 1। कहाँ रिटर्न की जाएगी दोस्तों? वहाँ रिटर्न की जाएगी जहाँ इस फन फंक्शन को कॉल किया गया था। और ज़रा याद करें इस फन 1 को, ये जो फन फंक्शन है जिसके अंदर 1 एज ए पैरामीटर पास किया गया है, इसे कहाँ कॉल किया गया था? इसे कॉल किया गया था, देख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने पूरा रास्ता बनाया है दोस्तों, हम भटकेंगे नहीं, पूरे रास्ते को हम बनाते हुए आए, भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ से कंट्रोल लौटा है यहाँ पर, इस जगह वैल्यू रिटर्न कर दी गई, एक वैल्यू फेंक दी गई है यहाँ पर जो कि है 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ये इंतजार कर रहा था कि कब ये फन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करे, तब ये रिटर्न स्टेटमेंट खुद अपना जलवा दिखा सके। तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न की गई है दोस्तों 1। तो यहाँ से कंट्रोल आया सीधा यहाँ पर और अपने साथ वैल्यू लाया है 1, अपने साथ इसने एक वैल्यू रिटर्न कर दी है 1। अब क्या होगा? अब होगा 2+1, 2 में एक जुड़ेगा, 2 में एक जुड़ेगा तो बन जाएगा 3। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक वैल्यू, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है और एक वैल्यू इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आ चुकी है जो कि है 3। तो अब ये रिटर्न स्टेटमेंट भी खुशी खुशी अपना जलवा दिखाएगा, खुशी खुशी कंट्रोल अब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। क्या खाली हाथ रिटर्न होगा क्या कंट्रोल? जी नहीं, एक वैल्यू रिटर्न की जाएगी जो कि है 3। तो ज़रा बताएं दोस्तों, यहाँ से जब कंट्रोल रिटर्न होगा तो कहाँ जाएगा? तो जहाँ इस फन फंक्शन को कॉल किया गया था। अब इस वाले फन फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया था? इस वाले फन फंक्शन को कॉल किया गया था यहाँ पर, देख सकते हैं आप, हमने रास्ता बनाया, इस वाले फन फंक्शन को कॉल किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ लौटेगा एक वैल्यू के साथ जो कि है 3। तो ये गया यहाँ से, ये सीधा लौटा और यहाँ पर लौटा, अपने साथ एक वैल्यू भी साथ लाया है 3, खाली हाथ नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ अब इस रिटर्न स्टेटमेंट को भी पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होता हुआ नज़र आ जाएगा। इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट भी आखिरकार अपना जलवा दिखा सकेगा। 3+3, 3 में 3 जुड़ेगा 6 बनता है दोस्तों। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी एक वैल्यू 6। कहाँ रिटर्न होगी? जहाँ इस वाले फन फंक्शन को कॉल किया गया था। इस वाले फन फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया था? इसको कॉल किया गया था यहाँ पर, यानी कि यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न कर दी गई है 6। तो यहाँ पर परफॉर्म होगा दोस्तों 4+6। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट भी खुशी खुशी अपना जलवा बिखेरेगा यहाँ। तो यहाँ से दोस्तों ज़रा बताएं, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू को रिटर्न करेगा तो कहाँ रिटर्न करेगा? जहाँ इस फन फंक्शन को कॉल किया गया था। इसको कहाँ कॉल किया गया था? इसको कॉल किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई और यहाँ पर उसने फेंक दी, थ्रो कर दी, और वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 4+6, 4 में 6 जुड़ता है तो 10 आता है दोस्तों। तो यहाँ से रिटर्न हो गया 10।
ये 10 लोटा है यहाँ पर, यहाँ रिटर्न किया गया है, यहाँ पर फेंका गया है। इस मेन फंक्शन के अंदर ये जो प्रिंट एफ है, इसमें जहाँ इस फन फंक्शन को कॉल किया गया था वहाँ पर 10 फेंका गया है। तो यहाँ आखिरकार जो वैल्यू रिटर्न होकर आई है दोस्तों, वो आई है 10। तो इतना सब कुछ हुआ और उसके बाद एक वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होकर आ गई है 10। तो जब ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर इस प्रिंट एफ के जरिए आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा 10। अब जरा देखिएगा दोस्तों, ये मेन फंक्शन अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, क्योंकि जब कंट्रोल ने इस फन फंक्शन की डेफिनेशन में एंट्री की तब मेन फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मेन फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बाद है गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ मुकम्मल। तो साथियों, यहाँ पर ये जान लेना भी हमारे लिए मुनासिब होगा कि आखिर ये फन फंक्शन कर क्या रहा है, क्या काम कर रहा है। तो जरा देखिए दोस्तों, इस फन फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर जो वैल्यू पास की गई है वो है 4। तो ये फन फंक्शन क्या करेगा, 4 से लेकर 1 तक हर एक इंटीजर का सम कर देगा। यानी कि ये हमें अल्टीमेटली क्या रिजल्ट दिखा रहा है, 4+3+2+1 की वैल्यू, जो कि आती है 10। आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट यहां से जो प्रिंट होकर आया है वो आया है 10। तो उसी तरह से अगर यहाँ 4 की जगह पर कोई और आपने इंटीजर डाल दिया, मान लीजिए आपने 5 डाल दिया, तभी आपको रिजल्ट जो कैलकुलेट करके देगा वो देगा 5+4+3+2+1, जो कि होगा 15। तो अगर यहाँ आपने कोई भी इंटीजर पास किया है, उस इंटीजर से मान लीजिए आपने n एक इंटीजर पास किया है, तो n से लेकर 1 तक के जितने भी इंटीजर है उन सभी का ये फंक्शन हमें सम कैलकुलेट करके दे रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस को बड़े इत्मीनान से पढ़िए, समझिए, और जो भी इसका आंसर है, जो भी प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, वो प्रोग्राम्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके जवाब लिखें। इससे मुझे ये पता चलता है कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया है। मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को अब हम करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।